सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक मामले को लेकर आज अहम सुनवाई हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन जजेस की बेंच ने नीट याचिकाओं पर सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान पेपर लीक और परीक्षाओं की गोपनीयता पर सीजेआई ने अपना रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि अगर परीक्षा की शुचिता से साथ समझौता हुआ है तो री एग्जाम का फैसला देना होगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर सोशल मीडिया के माध्यम से पेपर लीक हुआ है तो ये जंगल में आग की तरह फैलता है। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई बुधवार 11 जुलाई को होगी। सीजेआई ने कहा है कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश सभी वकील इस बात पर अपनी दलील पेश करेंगे कि दोबारा परीक्षा क्यों होनी चाहिए और केंद्र तारीखों की पूरी सूची भी देगा। सीबीआई भी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने री एग्जाम को लेकर अपना पक्ष रखा है। शिक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करके नीट एग्जाम रद्द की मांग का विरोध किया था। सरकार ने हलफनामे में कहा है कि कथित गड़बड़ी केवल पटना और गोधरा केंद्रों में हुई थी और व्यक्तिगत उदाहरणों के आधार पर पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जानी चाहिए। अनुचित साधनों और पेपर लीक के व्यक्तिगत उदाहरणों से पूरी परीक्षा खराब नहीं हुई है। अगर परीक्षा प्रक्रिया रद्द कर दी जाती है तो ये लाखों छात्रों के शैक्षणिक करियर से जुड़े बड़े सार्वजनिक हित के लिए ज्यादा हानिकारक होगा। पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच कर रही है। ये बातें शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के डायरेक्टर वरुण भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कही है। सुनवाई के दौरान पेपर लीक और परीक्षाओं की गोपनीयता पर सीजेआई ने अपना रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि अगर परीक्षा की शुचिता से साथ समझौता हुआ है तो री एग्जाम का फैसला देना होगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर सोशल मीडिया के माध्यम से पेपर लीक हुआ है तो ये जंगल में आग की तरह फैलता है। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई बुधवार 11 जुलाई को होगी। सीजेआई ने कहा है कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश सभी वकील इस बात पर अपनी दलील पेश करेंगे कि दोबारा परीक्षा क्यों होनी चाहिए और केंद्र तारीखों की पूरी सूची भी देगा। सीबीआई भी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने री एग्जाम को लेकर अपना पक्ष रखा है। शिक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करके नीट एग्जाम रद्द की मांग का विरोध किया था। सरकार ने हलफनामे में कहा है कि कथित गड़बड़ी केवल पटना और गोधरा केंद्रों में हुई थी और व्यक्तिगत उदाहरणों के आधार पर पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जानी चाहिए।